महाराजा चार्ल्स तीन दे ताजपोशी समारोह च सोनम कपूर ने नमस्ते ना की भाषण की शुरुआत। अदाकारा सोनम कपूर ने महाराजा चार्ल्स थ्री की महाराणी कमैला की ताजपोशी के समारोह में आयोजित कंसर्ट में राष्ट्रमंडल से भाषण दिता। ऐतवार शाम को विंडसर कैंसल में आयोजित इस समारोह में कैटी पैरी टैक डैंट वर्गे पॉप सितारिया ने पेशकारी दी। अनामिका खन्ना ते एमेला विकसीड वालों तैयार की ड्रैस पहन के समारोह में शामिल हुई सोनम ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते ना की। उन्हें कहा कि साडा राष्ट्रमंडल एक संघ है ते इकट्ठे मिलके असी विश्व की आबादी का एक तिहाई हिस्सा बनाते हाँ, दुनिया के समुद्री खेत्र का एक तिहाई हाँ, दुनिया के भूमि खेत्र का एक चौथाई हाँ। उन्हें कहा कि साडा हरेक देश खास है, साडे लोग खास हैं, असी अपने इतिहास तो सीखते हुए एक हो के खड़े हाँ, असी अपनी विभिन्नता अपन कदरों कीमतों में अमीर हाँ, सारियां लई एक होर शांतिपूर्ण टिकाऊ और खुशहाल भविख बनाने लई दृढ़ हाँ, जिथे सारियां दी गल सुनी जाए। इस तो बाद उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार स्टीव विनवुड के नाल राष्ट्रमंडल छपंजा देशों के कलाकारों वालों तैयार राष्ट्रमंडल के वर्चुअल गायक मंडल का प्रदर्शन किया। सोनम ने अपने उद्योगपति आनंद आहूजा नाल ताजपोशी समारोह शिरकत की। आने वाली फिल्म ब्लाइंड च काम कर रही सोनम ने जशन दे कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम से साझा की। लो वधदे हां अगली खबर दे वल। पछमी बंगाल दे केरला स्टोरी फिल्म ते लगाई पाबंदी, 5 मई नूं हुई सी रिलीज़। बंगाल दी मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने सोमवार नूं विवादित फिल्म द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग ते तुरंत पाबंदी लगाने के हुक्म दिते ता जो किसी भी नफरत ते हिंसा की घटना तो बचा जा सके। एक सीनियर अधिकारी ने इत्थे जानकारी दिती। अधिकारी ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग करने वाले सिनेमा हॉल में खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो इस एक दिन पहला ममता बैनर्जी ने कहा है कि द केरला स्टोरी तत्थों नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जिसका मकसद केरल नूं बदनाम करना है। अधिकारियों ने PTI भाषा नूं दस्या है नफरत हिंसा की किसी भी घटना तो बचने ते राज में शांति बनाई रखने लई मुख्यमंत्री ने द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग ते तुरंत पाबंदी लगाने के हुक्म दिते हैं। इस पाबंदी के हुक्मों की उलंघना करने वाले सिनेमा हॉल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुदीपतो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में केरला में औरतों के एक समूह के आले दुआले घूमती है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने लई अते ISI में शामिल होने लई मजबूर किया जाता है। यह फिल्म 5 मई को रिलीज़ हुई सी। लो वधदे हां अगली खबर दे वल। भावुक कर देवेगी दलजीत दोसांझ की आवाज़ च रिलीज़ होया गीत आखिरी सलाम। पंजाबी फिल्म जोड़ी सिनेमाघर च रिलीज़ हो गई है ते इस फिल्म नूं दर्शकों वल्लों काफ़ी सराहा जा रहा है। दलजीत दोसांझ दे निमृत खैरा दे स्टार इस फिल्म च उह सब कुछ है जो इस फिल्म नूं एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट बनाउंदी है। फिल्म दे गीतां दी गल करिए तां इन्हां नूं लोक पहलां ही काफ़ी पसंद करदे आ रहे हन। उत्थे अज फिल्म दा एक होर गीत रिलीज़ होया है जिसका नाम आखिरी सलाम है। यह गीत भावक कर देने वाला है ते गीत नूं दलजीत दोसांझ वल्लों ही गाया गया है, जिसनों लिखिया राज रणजोध ने है अते संगीत टोरू स्कूल ने दिता है। फिल्म की गल करिए इस विच दलजीत ते निमृत अलावा हरसिमरन दृष्टि गरेवाल हरदीप गिल रविंद्र मान ते अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म नूं लिखिया ते डायरैक्ट किया अमरदीप सिंह ने है। फिल्म दलजीत थिंद ते कारज गिल वालों प्रोड्यूस की गई है।